रामपाल यादव के इस्तीफे को लेकर यूपी की सियासत काफी गरमाई है। अखिलेश यादव के चाचा शिवपाल यादव समाजवादी पार्टी छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो सकते हैं, इस तरह के कयास लग रहे हैं। अब इन सबके बीच योगी सरकार में कैबिनेट मंत्री योगेंद्र उपाध्याय ने इसी मामले पर अपनी राय सामने रखी है। शिवपाल यादव के भाजपाई हो जाने पर योगेंद्र उपाध्याय ने कहा, बीजेपी में किसी नए पार्टनर की आवश्यकता नहीं है क्योंकि भाजपा के पास पर्याप्त 2/3 बहुमत है। अगर शिवपाल यादव हाउस में हमारा साथ देते हैं तो वे ये शिवपाल यादव पर निर्भर करेगा। कैबिनेट मंत्री ने ये भी कह दिया है कि शिवपाल यादव को लेकर जो भी फैसला लिया जाएगा वो शिवपाल और आलाकमान के द्वारा ही तय किया जाएगा। जो कुछ भी होगा जल्द सामने आ जाएगा। अटकलें चलती रहती हैं, हम अटकलों पर नहीं जाएंगे। आपको बता दें, योगेंद्र उपाध्याय से पहले यूपी के डिप्टी सीएम केशव मौर्य ने भी शिवपाल यादव के भाजपाई हो जाने पर कह दिया था कि बीजेपी में फिलहाल किसी के भी लिए स्पेस नहीं है, इसलिए भाजपा में किसी के आने का कोई स्कोप बनता ही नहीं है। नेक्स्ट 9 न्यूज़ नेशन की रिपोर्ट।